CIA 1 बहादुरगढ़ इंचार्ज इंस्पेक्टर जयवीर, उनकी टीम विशेषकर ASI मंजीत और हमारे ज़िले के साइबर सेल इंचार्ज ASI देवेंद्र के नेतृत्व में और इनकी कड़ी मेहनत से एक 12 अगस्त को एक व्यापारी है बहादुरगढ़ के, उनको एक्सट्रॉर्शन कॉल आया था जिसमें कि जो आरोपी है उसने स्वयं को गोगी गैंग का बताया था। तो इन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों में ही उसको पहचान की और उसको अरेस्ट किया। ये जो आरोपी था उसका नाम साहिल है, जो कि रहने वाला बहादुरगढ़ का है और अभी लुधियाना में था। तो वहाँ से इसको अरेस्ट करके फिर और भी पूछताछ की गई है और जिसमें जो है मोबाइल इसमें रिकवर हुआ है। और साहिल पे पहले भी एक 307 का पर्चा जो है बहादुरगढ़ में दर्ज है। और अभी तक जो बात सामने आई है कि इसका ये जो गोगी गैंग के हैं उनको फॉलो करता था इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट अभी तक कोई लिंक इसमें सामने नहीं आया है। और जो मोबाइल जिससे कॉल किया गया था वो रिकवर कर लिया गया है। इसने MPHW का कोर्स कर रखा है PGI रोहतक से और वहाँ छोटी मोटी कोई नौकरी करता था। तो ये अभी तक हमारी कार्रवाई थी और इसमें हमारी टीम है उसने काफ़ी कड़ी मेहनत की और इसको बहुत ही जल्दी इसको जो है सॉल्व किया। डिमांड कितने की की थी सर इसने? इसने 50 लाख की डिमांड की थी और बोला था कि अगर नहीं दिए तो मैं गोली मार दूंगा। नहीं, ये व्हाट्सएप कॉल था जो आर्टिफिशियली नंबर जनरेटेड है उससे ही कॉल किया गया था। तो भी हिरासत में? हाँ, इसको रिमांड पे लिया गया था जिसमें कि जो मोबाइल था वो रिकवर हुआ है। टोटल 2 मोबाइल इससे रिकवर हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगर कोई भी वारदात करता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, जो सख्ततम कार्रवाई संभव है वो की जाएगी। इस पर पहले वही मैंने बताया कि 307 का जो अटेम्प्ट मर्डर का है वो पर्चा है जो अभी विचाराधीन है माननीय न्यायालय में।